बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिंधी अदब पास्ट पेपर्स शफ़क़त अली अकेडमी नोट्स CSS 2011 जो परचो आहे। शफ़क़त अली अकेडमी जे तरफ़ां 40 साल सिंधी अदब पास्ट पेपर्स शफ़क़त अली अकेडमी यूट्यूब तरफ़ां तव्हां ताईं मालूमात पेश करे रहिया आहियूं। सवाल नंबर आहे 231। सिंधी ॿोलीअ जी मौजूदा सूरत ख़ती अंग्रेज़ दौर में राइज थी। अंग्रेज़नि 1853 में सिंधीअ ॿोलीअ खे सरकारी ॿोली जो दर्जो ॾिनो ऐं अंग्रेज़नि जे दौर में मुकमल तौर ते अलिफ़ बे ते सूरत कथी जुड़ी रास थी। अंग्रेज़नि जे दौर में सिंधी अदब तमामु घणी तरक़ी कई। अंग्रेज़ आफ़ीसरनि जे लाइ सिंधी जो इम्तिहान पास करण बि लाज़मी बणायो वियो हो। उनखां पोइ आहे किताब सिंधी ॿोली जो लेखक सिराजुल हक आहे। सिंधी ॿोली जो इबास जो लेखक ग़ुलाम अली अलाना आहे। क़ुरान मजीद जो सिंधी तर्जुमो हिंदी ऐं अंग्रेज़ी खां पहिरें थियो। सिंधी ॿोलीअ खे इहो आज़ादु हासिलु आहे त नंढे खंड में ॾखिण एशिया में सभ खां पहिरें सिंधी ॿोलीअ में क़ुरान पाक जो तर्जुमो कयो वियो। पहिरियों तर्जुमो उहो अरबनि जे दौर में थियो हो। उनखां पोइ क़ुरान पाक जो नसर में तर्जुमो आखूंद अज़ीज़ुल्लाह कयो ऐं मंज़ूम क़ुरान पाक जो तर्जुमो मौलवी अहमद मलाह कयो। त क़ुरान मजीद जो सिंधी तर्जुमो हिंदी ऐं अंग्रेज़ी खां बि पहिरें थियो हो। सिंधी ॿोली ऐं अदब जी तारीख़ जो लेखक डॉक्टर नबी बख़्श बलोच आहे। डॉक्टर नबी बख़्श बलोच जो अदब में तमामु बहितरीन कमु आहे, ख़ासि तौर ते लोक अदब में। पाकिस्तान जे ॿोलियुनि में पंजाबी, सराइकी, पश्तो, बलोची मां मरणी खां वधीक इल्मी अदबी मवाद सिंधी ॿोलीअ में छपियलु आहे। पाकिस्तान जे ॿोलियुनि में सभ खां वधीक जेके किताब आहिनि उहे सिंधी ॿोली में छपियलु आहिनि। छो त सिंधीअ ॿोलीअ जा किताब अंग्रेज़नि जे दौर में बि तमामु घणा छपिया ऐं उनखां पोइ मतिलबु के 19वीं सदीअ में, 20वीं सदीअ में, 21वीं सदीअ में तमामु घणा जेके आहिनि सिंधी जा किताब जेके आहिनि उहे छपिया त ऐं पंहिंजो त पाकिस्तान जी सभ खां पुराणी ॿोली बि सिंधी ॿोली आहे। मुंहिंजे दड़े खां शुरूआति थिए थी 5000 साल खां। त सिंधी ॿोलीअ हर दौर में उसरंदी रही आहे, तरक़ी कंदी रही आहे। शाह अब्दुलतीफ़ भिटाई जे दौर में सिंधी ॿोलीअ में इनकलाब आयो ऐं उनखां पोइ शेख अयाज़ में तमामु घणी कोशिश कई सिंधी ॿोलीअ जी तरक़ीअ जे लाइ। चवण जो मक़सदु हर दौर में सिंधी ॿोलीअ तरक़ी कंदी रही आहे। हिन वक़्त में आलमी सतह ते गूगल सर्च इंजन में बि सिंधी ॿोली शामिलु आहे। टेक्नोलॉजी जे दौर में बि सिंधी ॿोली तरक़ी करे रही आहे। उनखां पोइ आहे सवाल नंबर 237। सिंधी ॿोली जो बुड़ो बुनियादु डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना लिखियो। सिंधी ॿोली जो मयारी लहिजो विचोलो आहे। सिंधी ॿोली लिसानियात खां समाजी लिसानियात ताईं मोहम्मद कासिम बुघो लिखियो। सॼे तमामु घणनि अदीबनि आलमनि सिंधी ॿोली जे तरक़ीअ जे लाइ तमामु घणा किताब लिखिया आहिनि। सवाल नंबर 240। सिंधी ॿोली जी तरक़ी ऐं तरवीज लाइ सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी इदारो आहे। मामूअनि जा बैत समन जी हुकुमरानी में सरजा। नूरी जाम तमाची जो ज़िक्र शाब्द भिटाई पंहिंजे सुर काबोर में कयो आहे। शेख अयाज़ जे किताबनि जा अक्सर उनवान शाब्द भिटाई जी शहरी मां खयल आहिनि।
शेख अयाज़ तकरीबन जेके किताब लिखिया आहिनि उन्हनि जा नाला उनवान वग़ैरह विशाह जे रिसाले मां खयल आहिनि। कपर थो कुन करे कंहिंजे ॿीजल ॿोलियो वग़ैरह वग़ैरह। आफ़्ताब ए अदब हकीम फ़तेह मोहम्मद सिवाणी लिखियो। लोक अदब ते सभ खां घणो अदबी कमु डॉक्टर नबी बख़्श बलोच तर्फ़ां आहे। मिर्ज़ा कलीम जो नावेल ज़ीनत उर्दू ऐं अंग्रेज़ी में तर्जुमो थी चुको आहे। मिर्ज़ा कलीम खां अॻु में सिंधी ॿोली जो पहिरियों नावेल तर्जुमो कयलु नावेल रासीलास आहे, जेको मुंशी उदाराम ऐं साधू रोल राय उहो तर्जुमो कयो हो। उनखां पोइ मिर्ज़ा कलीम जो पहिरियों नावेल हूंदो आहे दिलाराम, ऐं उनखां पोइ वरी मिर्ज़ा कलीज बेग ज़ीनत नावेल लिखियो। नसीब खरल जो चोटियो दरकाड़ियो जो मजमूओ आहे। अदब जा फिक्री बहरक किताब डॉक्टर अलहदाद बोयो लिखियो। किताब सोन वरियूं दिलियूं लालचंद अमर ॾिनो जो तर्जुमो कयल आहे। कपर थो कुन करे शेख अयाज़ जी शायरी जो किताबु आहे। 40 साल सिंधी अदब पास्ट पेपर्स जी मालूमात तव्हां ताईं शफ़क़त अली अकेडमी यूट्यूब जे तरफ़ां पहुचाए रहिया आहियूं। इहा नॉलेज शाहकार नायाब अहम मालूमात सिंध जे लखे शागिर्दनि ताईं शेयर कयो, ऐं उनखां पोइ तव्हां शफ़क़त अली अकेडमी बैच में शामिलु थी सघो था। हीअ सब्जेक्ट्स आहिनि, ॾिसो इहे नोट्स असां वटि मौजूदु आहिनि। ईंदड़ हर इम्तिहान जे लाइ इहे नोट्स में तव्हां हासिलु करे सघो था। ऐं शफ़क़त अली अकेडमी ऑनलाइन में तव्हां पंहिंजे ईंदड़ हर इम्तिहान जे लाइ तयारी करे सघो था। तव्हांखे इंग्लिश ग्रामर, सिंधी ग्रामर, सिंधी अदब, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज वग़ैरह जा नोट्स ऐं लेक्चर्स मिलंदा रहंदा। तमामु घणी महिरबानी। इंशाल्लाह मिलूं था पाण नेक्स्ट लेक्चर में।